नमस्कार, मैं अंकित कुमार, आप देख रहे हो द स्ट्रेट लाइन। इस समय मैं भदरवा के चिंता वैली में मौजूद हूँ, जहाँ पर आप मेरे पीछे देख सकते हो एक बार फिर से स्नोफॉल शुरू होती हुई आपको देखने को मिल रही है। टेम्परेचर मिनिमम 6 डिग्री के आसपास आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। उसके अलावा कल दिन भर से ही भारी तूफान पूरे भदरवा के भिन्न भिन्न एरियाज़ में आपको देखने को मिला। उसके अलावा लाइटिंग भी आपको जगह जगह पर देखने को मिली, जिसकी वजह से लोगों के काफ़ी नुकसान हुए। बताऊँ आपको मैं, कुछ घरों की टीनें भी उखड़ गई हैं और जिससे उनको काफ़ी नुकसान भी हुआ है। और वो कल दिन भर से ही परेशान थे, कुछ लोग सीढ़ियाँ ढूंढ रहे थे कि किस तरह से अपने मकानों को एक बार फिर से ठीक किया जाए, क्योंकि कल दिन भर से ही कंटिन्यू हवाएँ तेज़ी से चल रही थी, लाइटनिंग हो रही थी, जिसके चलते मौसम एक बार फिर से ठंडा हो गया, जिसकी वजह से टेम्परेचर डिप हो गया, जो कि अभी -6 के करीब टेम्परेचर अभी भदरवा में आपको देखने को मिल रहा है। ना कि भदरवा में, आप भदरवा के किसी भी प्लेस में अगर आप जाओगे या फिर डोड़े में जाओगे, किश्तवाड़ में जाओगे, रामबन में जाओगे, किसी भी प्लेस पर जाते हो तो टेम्परेचर अभी आपको ठंडा ही मिलेगा। और जो बारिशों का सिलसिला है वो आपको बढ़ता ही देखने को मिल रहा है। हालांकि मौसम के अनुसार कल 21 तारीख है और कल मौसम में हल्का सा सुधार होगा, लेकिन जो चिन्हाव वैली में छुट्टियों का सत्र था वो अब ख़त्म होने जा रहा है, जिसकी आखिरी तारीख आज है, और जो कि कल से अब छुट्टियां ख़त्म होने जा रही हैं। अब कल से स्कूल्स में बच्चे जाएंगे, टीचर जाएंगे। लेकिन अगर आपको मैं स्कूलों की हालत बताऊं तो स्कूलों की हालत काफ़ी खस्ता है। वहां पर अभी भी बर्फबारी है कुछ कुछ स्कूलों में, जो कि एक चिंता वैली में जो हाई सेकेंडरी पड़ती है वहाँ पर अभी भी स्नो है। चाहे वहाँ पर आप हाई स्कूल में जाओ या फिर मिडिल स्कूल में जाओ, वहाँ पर अभी भी आपको स्नोफॉल देखने को मिलेगी। उसके अलावा अगर मैं इंतज़ाम की बात करूं कि स्कूल में इंतज़ाम किस तरह के हैं, स्कूल में किस प्रकार की सुविधाएं हैं, तो स्कूलों में कोई भी सुविधा नहीं है। लकड़ी नहीं है, बुखारी नहीं है, अगर बुखारी होगी भी तो लकड़ियां नहीं है। ये खाली चिंता हाई सेकेंडरी की बात नहीं है, सरतंगल हाई सेकेंडरी की बात करो आप, भेज्जा में हाई स्कूल की बात करो आप, किसी और स्कूल में जाकर आप अगर आप पता कर सकते हो, चाहे फिर आप किश्तवाड़ के किसी भी दूसरे एरिया में चले जाते हो, वहाँ पर आप हर स्कूल में अगर आप पता करो तो आपको हर जगह सर्दी देखने को मिलेगी। और जो सर्दियों के इंतज़ाम है वो आपको देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि जो टेम्परेचर है वो एक बार ठंडा हो गया और जो बर्फबारी है वो एक बार फिर से शुरू हो गई है। तो आप देखिए, लाइट स्नोफॉल आपको देखने को मिल रही है। इसका कारण यही है कि कल दिन से ही यहाँ पर भारी तूफान चला, जिसके चलते लोगों की घर की जो छत है वो उखड़ कर दूसरे घरों के ऊपर चल गई, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी दिक्कत आई और लोग काफ़ी परेशान देखने को मिल रहे हैं। मैंने आपको बताया कि कुछ लोग सीढ़ियां लेके लोगों के घर से मंगवा के अपने घर की छत को ठीक करने के लिए जा रहे थे, और उसके बाद कंटिन्यू रात को भारी तूफान आया, लाइटनिंग हुई, मौसम इतना ख़राब रहा कि उसके बाद से टेम्परेचर में काफ़ी ठंडी आ गई, जिसके कि अभी देख भी रहे हो जो टेम्परेचर है वो लगभग -6 के करीब आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और ये खाली भदरवा ही नहीं है, भदरवा के किसी और एरिया में जाओ आप, चाहे सरतंगल में जाओ, भाला में जाओ, द्रड्यू में जाओ, किश्तवाड़ में, मड़वा दक्षिण में जाओ, कहीं पर भी जाओ, देसा में जाओ, कहीं पर भी जाओ, आपको टेम्परेचर डिप ही देखने को मिलेगा। लेकिन इसकी वजह से अब स्कूल इंतज़ाम जो डायरेक्टेड ऑफ स्कूल एजुकेशन जम्मू है, क्या वो विंटर वेकेशन को एक्सटेंड करेगा, ये एक बड़ा सवाल है। और उससे भी बड़ा सवाल ये है कि आमतौर पर आपने देखा भी होगा कि बच्चों की छुट्टियां बढ़ाई जाती हैं और टीचर को छुट्टियां नहीं दी जाती हैं, क्योंकि टीचर्स को कहा जाता है कि वो ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करें। लेकिन मैं ये भी बताऊं आपको कि भदरवा के अभी भिन्न 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 प्लेसेस में आपको इलेक्ट्रिसिटी देखने को नहीं मिलेगी, इसीलिए टूरिस्ट भी भदरवा की ओर कम रुख करते हैं, क्योंकि यहाँ पर फैसिलिटीज़ नहीं है। कोई एक बार फंस जाए तो फिर वो फंस ही जाता है, आगे जाने के लिए कोई रास्ता होता ही नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी भी ठप है, इसलिए स्कूल में जाकर टीचर्स ऑनलाइन क्लासेस भी नहीं ले सकते हैं, जहाँ तक मेरा मानना है। अगर स्नोफॉल की बात करूँ तो अभी आप स्नोफॉल देख पा रहे हो, काफ़ी हैवी स्नोफॉल चिंता वैली में, भदरवा में, बेज्जा में, सरतंगल में या फिर ऊपर कंसर में, भिन्न भिन्न एरियाज में आपको हैवी स्नोफॉल देखने को मिल रही है। लेकिन स्नोफॉल के चलते जो छुट्टियों का टेन्यूर था वो आज ख़त्म हो गया, यानी कि आज आखिरी छुट्टी थी, जो कि आज समाप्ति की ओर है। अब कल से टीचर्स बच्चे स्कूल जाएंगे, लेकिन सवाल यही है कि छुट्टियां तो आज ख़त्म हो रही हैं, क्या डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन जम्मू छुट्टियों को एक्सटेंड करेगा, क्योंकि अगर स्कूल बच्चे नहीं भी जाते, टीचर्स जाते हैं,
तो फिर वहाँ पर कोई भी इंतज़ाम आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप इंस्पेक्शन पर भी जाते हो तो वहाँ पर आपको स्कूलों में कोई भी इंतज़ाम लकड़ियों का नहीं देखने का मिलेगा, हीटिंग इंतज़ाम नहीं मिलेगा। अगर किसी स्कूल में हीटिंग का इंतज़ाम होगा भी तो वहाँ पर लाइटनिंग नहीं, क्योंकि लाइट फैसिलिटी आज अवेलेबल है ही नहीं। डिस्ट्रिक्ट रोड का आप किसी भी एरिया में जाओ, वहाँ पर आज आपको प्रॉपर लाइट देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि लाइट है ही नहीं। बिजली डिपार्टमेंट करे भी तो क्या करेगा, क्योंकि जगह जगह पर फॉल्ट आ ही रहे। कल दिन से ही लाइटनिंग आपको जगह जगह देखने को मिली, हवाएं इतनी तेज़ चली कि बहुत सारी जगहों पर आपको फॉल्ट देखने को मिले होंगे, जिसकी वजह से वो अपनी टीम को लेकर सड़कों पर जा रहे हैं। और देखिए पीछे जो बिहार के अंडर जो ग्रिफ आती है, वो भी कहीं ना कहीं रोड्स को साफ़ करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, जो कि आप देख पाए रोड अभी हल्की सी साफ़ इन्होंने की, हल्की सी पीछे जो जाई वाली की तरफ जो रोड जाती है उसको साफ़ करने के लिए गए हुए थे। लेकिन जगह जगह पर आपको लैंडस्लाइड्स देखने को मिली हैं, जो शूटिंग स्टोन्स हैं वो भी आपको गिरते हुए देखने को मिल रहे हैं। लेकिन सवाल फिर से वहीं पर अटकता है, क्या स्कूल एजुकेशन विभाग छुट्टियों को एक्सटेंड करेगा या सिर्फ बच्चों के लिए छुट्टियों को एक्सटेंड करेगा? क्योंकि बच्चे तो स्कूल जा नहीं सकते हैं, तो फिर टीचर बच जाते हैं। टीचर स्कूल जाकर करेंगे क्या? ऑनलाइन तो वो क्लास ले नहीं पाएंगे, क्योंकि अगर ऑनलाइन का कुछ सिस्टम होता तो बिजली होनी चाहिए उसके लिए, नेट कनेक्टिविटी होनी चाहिए। तो बताऊँ आपको, मैं यहाँ पर दिन भर से आज लाइट फैसिलिटी नहीं है, क्योंकि लाइट आ नहीं रही है। उसका कारण यही है कि काफ़ी स्नोफॉल होने के बाद, ज़्यादा स्नोफॉल तो हुई भी नहीं है, लेकिन जो तूफान था वो काफ़ी तेज़ तरार था, जिसकी वजह से घरों में काफ़ी नुकसान हुआ, लोगों के छतें उड़ गई हैं। और इस समय भी बादल जो काफ़ी गरज रहे हैं, जिससे कि एक और संकेत ये लग रहा है कि और ज़्यादा हवाएं चल सकती हैं, जिसके चलते घरों के नुकसान और हो सकते हैं। इसलिए मैं आप सबसे भी अपील करूँगा कि घर से बाहर ना निकलें। अगर घर से बाहर निकलते भी हो तो काफ़ी ज़रूरी काम के लिए घर से बाहर निकलें, क्योंकि लोगों की छतें उखड़ रही हैं। और ये कल दिन को भी मैंने 2-3 लोगों से मिला जिनकी छतें उड़ गई थी, और ये देखकर मुझे काफ़ी दुख हुआ। और मैंने उनसे पूछा भी, अगर आप कुछ मीडिया के सामने कुछ बताना चाहते हो तो आप बता सकते हो? उन्होंने बोला, नहीं हम नहीं बता सकते हैं, हम खुद ही अपने मकान को ठीक करेंगे। हमने उनको कहा भी कि आपको इसके लिए मुआवजा दिया जा सकता है, आपके मकान को जो भी कोई डैमेज हुआ है उसको ठीक करने के लिए मुआवजा दिया जा सकता है। लेकिन फ़िलहाल गाँव में इस तरह के लोग होते हैं कि वो अपनी परेशानी खुद ही हल करना पसंद ज़्यादा करते हैं। लेकिन फ़िलहाल आप स्नोफॉल देखिए, अच्छी खासी स्नोफॉल देखने को मिल रही है आज, हालांकि ज़्यादा हुई नहीं है, लेकिन जो टेम्परेचर में गिरावट आई है, जो कि मैंने कल भी अपने एक लाइव में कहा था कि जो टेम्परेचर है जब माइनस में होगा तब जाके ये बर्फबारी पड़ेगी, लेकिन बर्फबारी तब पड़ती है जब माइनस में होगा। और कल शाम से ही टेम्परेचर में इतना गिरावट आ गई, क्योंकि जो कल दिन भर तूफान चला, उस तूफान के चलते भारी नुकसान भी लोगों को उठाना पड़ा, और उस नुकसान से लोगों की छत जो थी उड़ गई थी, काफ़ी सारे घरों में देखने को मिला। उसकी वजह से जो टेम्परेचर जो आज और ज़्यादा डाउन हो गया, और दिन भर मैंने देखा कि जो मौसम था वो सुधार में नहीं था, उसकी वजह से जो टेम्परेचर है ठंडा हो गया, और फाइनली स्नोफॉल अभी आपको देखने को मिल रही है। आप भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय रख सकते हो, क्या छुट्टियों को एक्सटेंड करना चाहिए या नहीं, या फिर सिर्फ टीचरों को ही छुट्टियां नहीं, टीचर्स को स्कूल जाना चाहिए या फिर बच्चों को भी छुट्टियां देनी चाहिए? ये दोनों में आप अपनी राय रख सकते हो। लेकिन फ़िलहाल बर्फबारी एक बार शुरू हो गई है, क्योंकि टेम्परेचर अभी बताऊँ मैं तो -6 से नीचे ही जा रहा है, ऊपर जाने की और बढ़ ही रहा है। टेम्परेचर में गिरावट देखने को मिली, स्नोफॉल देखिए एक बार फिर से शुरू हो गई है। और आप जानते भी हो भदोरा में आजकल टूरिस्टों का काफ़ी मेला लगता था, और इस बार टूरिस्ट आए भी, लेकिन अब टूरिस्ट क्यों नहीं आ रहे हैं? तो फिर मैं बताऊँ आपको, फैसिलिटीज़ नहीं प्रोवाइड की जा सकती, इलेक्ट्रिसिटी नहीं प्रोवाइड की जा सकती, क्योंकि तूफान आ जाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जो हमारे पोल हैं वो इतनी अच्छी कंडीशन में नहीं है कि वो लाइट कंटिन्यू प्रोवाइड कर पाएँ। ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। पार्किंग की प्रॉब्लम मुझे आपको बताया, गाड़ी कहाँ पर वो लगाएं? उसके अलावा जो हमारी टूरिस्ट प्लेसेस है उनको वो खोल नहीं सकते हैं, क्योंकि हैवी स्नोफॉल ऑलरेडी हो चुकी है, और इसलिए वो रास्ता भी खोल नहीं पाते हैं। इसलिए काफ़ी सारी दिक्कतें हैं जिन वजहों से टूरिस्ट भदोरा की ओर नहीं आ रहे हैं। लेकिन फ़िलहाल मैं यही कहूँगा कि रोड्स को भी ओपन करने की पूरी कोशिश करें। हमने भदोरा में काफ़ी अच्छी मशीनरी भी देखी, नई नई मशीनरी भी आई है बीआरओ की तरफ से रोड्स को साफ़ करने के लिए। लेकिन सवाल आज का यही है
कि आज आखिरी दिन है छुट्टियों का और छुट्टियां आज ख़त्म हो रही हैं। बताऊं आपको, मैं जम्मू में जो विंटर वेकेशन एक्सटेंड हुई वो भी लगभग 3 बार आपको बढ़ती हुई देखने को मिली, जिसमें काफ़ी सारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आपको देखने को मिला भी कि छुट्टियों को एक्सटेंड करना चाहिए था, धुंध कोहरा काफ़ी था। लेकिन अभी डोडे खिते की बात करूँ, चिनाब वैली की बात करूँ, मैं किश्तवाड़ की बात करूँ, रामबन की बात करूँ, तो आपको जगह जगह लैंडस्लाइड्स, स्टोन्स आपको गिरते हुए देखने को मिल रहे हैं, पस्तियाँ आपको आती हुई देखने को मिल रही हैं, और कुछ जगहों पर हैवी स्नोफॉल भी देखने को मिल रही है। अगर इस समय डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन जम्मू अगर इस लाइव वीडियो को देख पा रहे हो तो वो देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मौसम किस हद तक ख़राब हो गया है और किस हद तक आगे कंडीशन ख़राब हो सकती है। हालांकि मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से कल शाम तक मौसम में सुधार आएगा, लेकिन काफ़ी सारी जगहों पर काफ़ी नुकसान हो गया है, जिसके चलते लोगों को काफ़ी परेशानी आ सकती है और बच्चों को भी स्कूल जाने में परेशानी आ सकती है। सिर्फ बच्चों को ही नहीं, टीचरों को भी स्कूल जाने में परेशानी आ सकती है, क्योंकि लैंडस्लाइड्स बहुत सारी जगहों पर हुई हैं और जो पत्थर हैं रोड्स में आ चुके हैं, और स्कूल भी चिनाब वैली में काफ़ी अपर रीचेस में पाए जाते हैं, जिसकी वजह से स्कूल्स में टीचर्स को भी जाने में दिक्कत आ सकती है और बच्चों को तो दिक्कत आएगी ही आएगी। और ख़ासकर मैंने इंतज़ाम की बात की, स्कूल में आपको कोई भी इंतज़ाम देखने को नहीं मिलेगा, कोई भी बुखारी का इंतज़ाम देखने को नहीं मिलेगा, ख़ासकर लकड़ी तो मिल नहीं सकती है, क्योंकि लकड़ी तो ऑलरेडी फॉरेस्ट विभाग ने देनी ही बंद कर दी है, लकड़ी मिलती भी नहीं है और हीटिंग इंतज़ाम है ही नहीं, इलेक्ट्रिसिटी है ही नहीं, और ये कल दिन से ही ये कंटिन्यू चल रहा है। लेकिन फ़िलहाल आप बर्फ़बारी के मज़े ले सकते हो और अपने अपने एरिया का नाम भी इसमें मेंशन कर सकते हो कि आपके एरिया में स्नोफॉल इस समय हो रही है या नहीं हो रही है। तो ये दृश्य आप चिंता वैली के देख पा रहे हो, और अगर मैं कहूँ तो भद्रा में भी इस समय स्नोफॉल हल्की हल्की शुरू हो गई है, जहाँ तक मुझे लोगों से जानकारी मिली, चाहे पीछे बेजा की बात करो, सरतंगल की बात करो, पीछे थनाला की बात करो, हर जगह आपको स्नोफॉल देखने को मिल रही है। इसमें आप अपनी भी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हो कि बच्चों को छुट्टियाँ बढ़नी चाहिए, या फिर जो टीचर्स हैं, जो टीचर्स हमारे उस्ताद है जो स्कूल में जाते हैं बच्चों को पढ़ाने, क्या उनको भी छुट्टियां बढ़ानी चाहिए या नहीं। तो फिलहाल आप दृश्य देख पा रहे हो स्नोफॉल के, अच्छी खासी स्नोफॉल अभी हो रही है, अब स्लिपरी भी पोर्शन हो गया है, रोड्स भी आज तो चल ही रही हैं, हो सकता है अगर ये स्नोफॉल कंटिन्यू रहती है तो आपको रोड बंद होती हुई देखने को मिल जाएगी। तो फिलहाल देखिए आप नज़ारे बर्फ़ के, लोग पत्नीटॉप घूमने क्यों आते हैं अगर मैं आपको बताऊं, पत्नीटॉप में आपको हर एक फैसिलिटी मिलेगी, खाने पीने की अच्छी फैसिलिटी मिलेगी, होटल की अच्छी फैसिलिटी मिलेगी, इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी मिलेगी, अच्छे कंबल आपको मिलेंगे। अगर मैं बात भद्रवाह की करूं, भद्रवाह में भी आपको खाने पीने की अच्छी फैसिलिटी मिल सकती है और मौजूद है भी, क्योंकि लोकल लोगों ने अपने गेस्ट हाउस खोले हुए हैं, काफ़ी इनिशिएटिव वो खुद ले रहे हैं, लेकिन टूरिस्ट भद्रवाह की ओर अब रुख क्यों नहीं कर रही है। आजकल सोशल मीडिया के ऊपर आपको देखने को मिल रहा है, इसके वजावत क्या है, क्या कारण है कि वो टूरिस्ट भद्रवाह की ओर अब क्यों नहीं आ रहे हैं। सबसे पहली बात तो मैं आपको बताऊँ, पार्किंग नहीं है, ये एक सबसे बड़ी समस्या है। दूसरी बात, अगर इस लाइव को हम यहीं पर एंड करते हैं, क्योंकि स्नोफॉल काफ़ी ज़्यादा हो रही है और टेम्परेचर भी ठंडा हो गया, मेरे हाथ भी ठंडे हो गए, इसलिए अब हम इस लाइव को यहीं पर एंड करते हैं और अब आगे की अपडेट आपको बाद में फिर से देंगे।